पॉलिसी बाजार के सेल्फ इंस्पेक्शन डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। इंस्पेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए पॉलिसी बाजार ऐप पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको ऐप पर इंस्पेक्शन का नोटिफिकेशन दिखेगा। स्टार्ट इंस्पेक्शन बटन पर क्लिक करें। इसके बाद वीडियो इंस्पेक्शन की चेकलिस्ट को पूरी करें। वीडियो बनाने से पहले ये चेकलिस्ट पूरी करना जरूरी है। पहला स्टेप, कार की आरसी और पिछले साल की पॉलिसी को अपने पास रखें। इसे आपको वीडियो में रिकॉर्ड करना होगा। दूसरा स्टेप, आपको कार के चेसी नंबर के स्थान का पता करना है। ज्यादातर चेसी नंबर आगे के बोनट के नीचे लिखा होता है, लेकिन कुछ कार्स में ये ड्राइवर या पैसेंजर के दरवाजे के पास भी लिखा होता है। यहाँ आप ध्यान रखें कि कार की बॉडी पर छपे चेसी नंबर को ही रिकॉर्ड करें, ना कि कार के विंडो या विंडशील्ड पर लगे हुए स्टिकर को। तीसरा स्टेप, ये वीडियो दिन की रोशनी में किसी खुली जगह पर बनाएं, जैसे कि कार वीडियो में साफ नजर आए। ध्यान रखिए कि वीडियो बनाते हुए कार पर किसी पेड़ या बिल्डिंग की परछाई ना आए, और ना ही आप ये वीडियो किसी रिपेयर वर्कशॉप, पेट्रोल पंप या बेसमेंट की पार्किंग के अंदर बनाएं। और आखिरी स्टेप, रिकॉर्डिंग से पहले कार की विंडशील्ड और खिड़कियों को जरूर साफ कर लें। जैसे जैसे आप हर स्टेप पूरा करते जाएं, स्क्रीन पर टिक करते जाएं। जब आपके सारे स्टेप्स पूरे हो जाएं, तो स्टार्ट इंस्पेक्शन बटन दबाएं। अब आप ऑलमोस्ट तैयार हैं अपनी सेल्फ इंस्पेक्शन वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। स्क्रीन पर आ रहे इंस्ट्रक्शन को पढ़कर आप इजीली वीडियो बना सकते हैं। रिकॉर्डिंग के वक्त आप अपनी पसंदीदा भाषा में ऑडियो इंस्ट्रक्शन भी सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले कार के आगे वाले बोनट को खोल लें। अपनी कार की सभी खिड़कियों को रोल अप करके बंद कर लें। जब आप तैयार हो तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले आगे की विंडशील्ड को अंदर से रिकॉर्ड करें। कैमरा को बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे ले जाते हुए ऐसे रिकॉर्ड करें कि पूरी विंडशील्ड रिकॉर्ड हो। यदि विंडशील्ड पर कोई स्क्रैच या डेंट हो तो कैमरा को नजदीक ले जाकर रिकॉर्ड करें। कैमरा के जूम का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके बाद कार की आरसी को आगे और पीछे दोनों साइड से रिकॉर्ड करें। ध्यान रखें वीडियो में आरसी के दोनों तरफ को इजीली पढ़ा जा सके। अब पिछले साल की पॉलिसी कॉपी के सारे पेजेस को रिकॉर्ड करें। इस बात का ध्यान रखें कि वीडियो में पॉलिसी को क्लियरली देखा और पढ़ा जा सके। अब अपने कार के इंजन को शुरू करें और ओडोमीटर की किलोमीटर रीडिंग को रिकॉर्ड करें। ओडोमीटर पर आपके कार की टोटल किलोमीटर्स, मतलब जितनी किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है, वो दिखनी चाहिए। कुछ कार्स में ट्रिप मीटर रीडिंग भी होता है, वो आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। इसकी वजह से आपकी वीडियो रिजेक्ट भी हो सकती है। अब कार की चेसी नंबर को रिकॉर्ड करें। ज्यादातर चेसी नंबर आगे के बोनट के नीचे लिखा होता है, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है, लेकिन कुछ कार्स में ये ड्राइवर या पैसेंजर के दरवाजे के पास भी लिखा होता है। यहाँ आप ध्यान रखें कि कार की बॉडी पर छपे चेसी नंबर को ही रिकॉर्ड कर रहे हो, ना कि कार के विंडो या विंडशील्ड पर लगे हुए स्टिकर को। अब आप फ्रंट बोनट को उठाकर इंजन कंपार्टमेंट को रिकॉर्ड करें। इंजन रिकॉर्ड करने के बाद बोनट को बंद करें और बाहर से विंडशील्ड को रिकॉर्ड करें। ध्यान रखें कि आप पूरी विंडशील्ड को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब कार से 3 से 4 मीटर दूर जाकर अपनी कार को सामने से रिकॉर्ड करें। आपको यह सुनिश्चित करना है कि इस फ्रेम में आपकी कार पूरी तरह से नंबर प्लेट के साथ वीडियो में दिखाई दे रही है। अब इंस्पेक्शन प्रोसेस के लास्ट स्टेप पर चलते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, तो गाइडलाइंस को ध्यान से सुने। कार के चारों तरफ घूमते हुए कार की वीडियो बनाएं। इसको हम 360 डिग्री रिकॉर्डिंग कहते हैं। ध्यान रखें कि रिकॉर्डिंग में पूरी कार इस पीले वीडियो फ्रेम के अंदर दिखाई दे और ये रिकॉर्डिंग बिना किसी ब्रेक के हो। साथ ही साथ रिकॉर्डिंग करते हुए जब आप कार के पीछे की ओर पहुंचे तो कार की नंबर प्लेट और पीछे के विंडशील्ड को अच्छे से रिकॉर्ड करें, ताकि वो क्लियरली वीडियो में दिखे। अगर कार पर कोई स्क्रैच या डेंट हो तो आप कार के नजदीक जाकर रिकॉर्ड करें। कैमरे के जूम का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और फिर वापस अपनी जगह पे आकर 360 डिग्री रिकॉर्डिंग जारी रखें। जब आपकी वीडियो पूरी हो जाए तो आप अपने वीडियो को अच्छे से देख लें कि आपने रिकॉर्डिंग के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखकर रिकॉर्ड किया है। यदि आप किसी स्टेप को रिकॉर्ड करना भूल गए हो या सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो प्लीज वीडियो को फिर से रिकॉर्ड करें। अगर आप वीडियो से संतुष्ट हैं तो सबमिट बटन दबाएं। और इसी के साथ आपका वीडियो इंस्पेक्शन पूरा हुआ। डेमो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।